हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ब्यूटी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ब्यूटी मेकअप। तो प्लीज़ आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा रेमेडी लेके आई हूँ। बहुत अच्छा वर्क करता है आपके फेस पे। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो भी नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अगर ऐसे वीडियो आपको देखना पसंद हो तो। तो आज जो है मैं आप लोगों को घर पर जो है बेसन और चावल के आटों से बहुत ही अच्छा सा एक रेमेडी लेके आई हूँ, जो कि आप अपने फेस पर अच्छा सा स्क्रब कर सकते हैं, ग्लो पा सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, बहुत सारे झाइयाँ पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, फाइन लाइन्स, डार्क स्पॉट हो गए हैं, तो आप जो है इस रेमेडी को अप्लाई करके, और आप इसे 15 दिन अप्लाई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अप्लाई करने के बाद अगर आपको बेनिफिट मिले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ आपके लिए वीडियो कैसा रहा और कितना % हेल्पफुल रहा आपके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि हाँ वीडियो में कैसे क्या बनाना है और उसे कैसे यूज करना है। बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा तो कहीं से आपको ये स्टेप जो है मिस कर जाइएगा। तो इस वजह से वीडियो को बिल्कुल स्किप किया। चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आपको क्या करना है कि एक बाउल लेना है, कांच का हो या स्टील का हो, जिस चीज़ का आपके पास उपलब्ध हो, और उसके बाद इसमें डालना है आपको 1 टेबल स्पून बेसन। और उसके बाद जो है बेसन के बाद आपको इसमें 1 पिंच कस्तूरी हल्दी डालना है। अगर कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप थोड़ा क्वांटिटी लें, और किचन का भी हल्दी डाल सकते हैं, बट याद रहे कि ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, नहीं तो आपके स्किन को जो है ये बहुत ही ज़्यादा और नुकसान पहुँचाएगा। तो यहाँ पर मैं हल्दी भी ले ली हूँ। उसके बाद जो है आपको 1 टेबल स्पून इसमें चावल का आटा डालना है। और यहाँ देखिए, चावल का आटा आप घर पर भी बना सकते हैं और मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ मैं चावल का आटा डाल ले रही हूँ। मैं यहाँ पे जो है रेमेडी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ, आप चाहे तो एक ही बार अप्लाई करने के लिए बना सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको रॉ मिल्क लेना है, यानी कि कच्चा दूध, और इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लेना है। बहुत ही अच्छा सही से तैयार करना है आपको। और फिर आपको क्या करना है कि अपने फेस को क्लीन कर लेना है। तो यहाँ देखिए, मैं फेस को क्लीन करके बैठी हूँ। मैं सिर्फ लिप बाम लगाई हूँ, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा सा, और उसमें टिंट है तो ये थोड़ा सा कलरफुल है। उसके बाद आप एक बाउल में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, रॉ मिल्क, और फिर एक कॉटन के हेल्प से बहुत अच्छे से अपने स्किन को क्लिनजिंग कीजिए, यानी कि क्लीन कीजिए। क्लिंजर का काम करता है दूध, जो है आपके स्किन पर एक क्लिनजर का काम करता है। तो क्लिंजर का ये काम करेगा, आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा क्लीन करता है। जो भी डलनेस होती है, जो भी गंदगी होती है, डल, डस्ट, धूल, पोल्यूशन, हर कुछ जो है आपके स्किन से ये क्लीन कर देता है। यहाँ देखिए, मैं बहुत अच्छे से अपने फेस पे इसे अप्लाई कर रही हूँ। कच्चा दूध से अपने फेस को पहले आप क्लीन कर लीजिए, और उसके बाद जो मैं रेमेडी बनाई हूँ उसे अप्लाई करना है। आपको जो पैक बनाई हूँ उसको अप्लाई करना है। तो ये कोई फेस पैक नहीं, ये जो है आपका स्क्रब है, ये स्क्रबिंग का काम करेगा। अगर आपके फेस पर बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम है, तो ये उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उसके लिए। तो यहाँ देखिए, मैं डैप डैप करके दूध को अच्छे से अपने स्किन में एब्जर्व कर ली हूँ, एब्जर्व हो गया। उसके बाद देखिए, इस पेस्ट को बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ, और फिर जो है फिंगर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा आपको लेना है, थोड़ा मात्रा में लेना है इसे, और अच्छे से अप्लाई करना है अपने फेस पर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सा एक स्क्रब बन के तैयार हो गया है। और मिल्क जो है आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपके स्किन जो है अगर डल है तो उसे बहुत ही ज़्यादा लाइट एंड ब्राइट करता है। और हल्दी के भी गुण आप लोग जानते हैं, चावल का आटा तो रामबन होता है स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा। आप अगर मार्केट का कोई प्रोडक्ट जो खरीद के लगाते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बट ये नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। घर पे जो बनाए हैं आप, ये बिल्कुल नेचुरल है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपके स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और ही ज़्यादा इसे खिलकर आपका स्किन आएगा इसको अप्लाई करने से। तो देखिए, यहाँ कुछ इस तरह से मैं जिस तरह से स्क्रब अप्लाई किया जाता है उस तरह से आपको स्क्रबिंग करना है अपने नोज़ के साइड में। नोज़ के पास बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हेड्स की हर किसी को प्रॉब्लम होती है, तो कुछ इस तरह से फिंगर के हेल्प से आप स्क्रबिंग करें, और हल्के हाथों से। अगर आपको लगे कि ये पेस्ट थोड़ा गाढ़ा है तो आप अपने हैंड में, फिंगर में थोड़ा सा रोज वाटर जो है उसे लगाएं, या फिर अच्छे से मसाज करें अपने फेस पर। बहुत अच्छे से अप्लाई करना है।
तो अगर आप सप्ताह में एक से दो बार इस रेमेडी को अप्लाई करते हैं अपने फेस पे, तो आप देखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा फर्क दिखेगा। फाइन लाइंस की जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे आपका स्किन जो है फेयर भी होने लगेगा, जो भी डार्क स्पॉट है वो भी खत्म होने लगेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, आपको भी कुछ ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद मैं एक गीले हैंकी के हेल्प से यहाँ पर देखिए इसे अच्छे से मैं क्लीन कर ले रही हूँ, आपको भी कर लेना है। मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मैं यहीं पर क्लीन करके दिखा रही हूँ, आप चाहे तो सीधे नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं हैंकी की मदद से इसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद आपको कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप चाहे तो एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कोई मॉइस्चराइजर भी कर सकते हैं, बट इसमें मिल्क डाला हुआ है तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आप लोग को रिजल्ट दिख रहा होगा कि हाँ मेरा फेस कितना चमक रहा है। फिर भी मैं थोड़ी सी यहाँ पर निविया की सॉफ्ट क्रीम ले रही हूँ और अच्छे से अपने फेस को जो है अच्छे से मॉइस्चराइज कर ले रही हूँ, क्योंकि इससे और ही ज़्यादा इसका फ़ायदा दिखेगा, आपका स्किन और ही ज़्यादा लाइट एंड ब्राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे जो है मैं निविया के मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। बहुत अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है और अपर डायरेक्शन में ही इसे अप्लाई करना है, क्योंकि आपका स्किन इससे भी और ज़्यादा सॉफ्ट एंड टाइट होगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा मेरा ये होम स्क्रब, और आप लोग इसे अप्लाई करके ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि ये रेमेडी आप लोग के लिए कैसा रहा। अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए आप लोग स्किप ना कर जाए, अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहे। तो चलिए मिलती हूँ फिर, बाय बाय।